हेलो फ्रेंड्स मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में मेरे पास बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आईपीएल स्टार्ट होने वाले उससे रिलेटेड ब्लॉगर या वर्डप्रेस में वेबसाइट बना के दिखाओ किस तरह से बनाते हैं एस कैसे करते हैं डोमेन नेम किस तरह का लेना चाहिए वेब होस्टिंग कौन सी अच्छी है एक्सएमएल साइट मैप और इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन के आज मैं आंसर दूंगा आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं उसका भी मैं आज आपको आइडिया दूंगा पर उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा उसके बाद फ्रेंड्स बनाना ना बनाना डिसीजन लेना आपका काम है पर आज एक ही वीडियो के अंदर मैं सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगा और सबसे बड़ी बात कीवर्ड रिसर्च की जो लिस्ट है मैं आज आपको वो भी फ्री में प्रोवाइड करूंगा जैसे एज यूजल करता रहता हूं पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करे और इस बेलाइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करे सबसे पहला पॉइंट है कीवर्ड रिसर्च

आप चाहे तो जो भी अपना कीवर्ड रिसर्च टूल यूज करते हैं उसके अंदर भी आप सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स को और उससे रिलेटेड आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं यहां पर आप देखेंगे मैंने कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड डिफिकल्टी मिनिमम 15 करी है और जो वॉल्यूम है कम से कम एक महीने का 800 तो आए और इस तरह से फ्रेंड्स मेरे पास 200 से ज्यादा कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई है इन कीवर्ड्स को आप लॉन्ग टेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर, या होना जरूरी है, प्लस Office, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होगी 215 वर्ड की कुछ ऐसे की वर्ड है जिनका सीपीसी नहीं है तो आप इनको भी जरूर यूज करें क्योंकि इनमें अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है और आपने इतने शॉर्ट की को यूज नहीं करना मेन की तो रखेंगे इसके आगे आप हेल्पिंग की जरूर यूज करें अगर आपको ये नहीं पता कि शॉर्ट टेल से लॉन्ग टेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आप टेक्नोविदान चैनल में जाए सर्च के बटन पर क्लिक करें और यहां पर लिख दें लॉन्ग टेल और उसके बाद आपने एंटर के ऊपर प्रेस करना है यहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं और जो भी मैं आज के वीडियो में अपने प्रीवियस वीडियो बताऊंगा आप उसको इसी तरह से सर्च कर सकते हैं फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक्सएमएल साइट मैप लिखूंगा और मैंने एंटर प्रेस करा आप देखेंगे एक्सएमएल से से रिलेटेड वीडियो आ गया इसी तरह से आपने सारे वीडियोस को यहाँ पे सर्च करना है कीवर्ड की टेंशन तो मैंने आपकी खत्म कर दी अब डोमेन नेम किस तरह का होना चाहिए डोमेन नेम में आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स उसके अंदर आईपीएल ना है, तो बहुत अच्छा होगा वैसे कुछ वेबसाइट मैंने बहुत पहले बताई थी जिसमें कंपनीज के नेम होते हैं डोमेन नेम के अंदर फिर भी गूगल उन्हें अप्रूवल दे देता है तो मेरे उस समय कुछ भाई नाराज हो गए थे तो इसलिए मैं आपको वो वेबसाइट्स नहीं बताऊंगा पर मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा आप कहीं से भी डोमेन नेम परचेज करो मैं किसी का कोई लिंक नहीं दे रहा पर उसके अंदर आईपीएल वर्ड ना आए तो वो बहुत अच्छा होगा आप स्पोर्ट्स लिख सकते हैं क्रिकेट लिख सकते हैं क्रिकेट की शॉर्ट फॉर्म में क्रिक लिख सकते हैं जैसे क्रिक बस डॉट कॉम है इस तरह के वर्ड्स ज़रूर यूज़ करें क्योंकि आईपीएल फ्रेंड्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि आईपीएल आपका खुद का नहीं है तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें भले आपकी माइक्रोनिश वेबसाइट है आईपीएल के ऊपर पर डोमेन नेम में इस चीज का आपने आपने जरूर ध्यान रखना है अब है अब नेक्स्ट पॉइंट आता कि ब्लॉगर के अंदर बनाना है या फिर वर्ड के अंदर वेबसाइट बनानी है अगर ब्लॉगर के अंदर बनानी है तो डेफिनेटली उसके अंदर आप अपना कस्टम डोमेन ऐड करें और जो मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा आप उसको यूज कर सकते हैं अगर आप वर्ड में बनाना चाहते हैं और ज्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते तो उसके लिए डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको चीप वेब होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी और कुछ दिन पहले मैंने चीप वेब होस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाया था काफी अच्छी होस्टिंग है मैं इसकी आपको थोड़ी और डिटेल्स बता देता हूं जिससे आपको समझने में काफी हेल्प मिलेगी आप गूगल में जाएंगे और वहां पर लिखेंगे प्रो होस्टिंग वेबसाइट पे क्लिक करने से पहले आप नीचे इसका रिव्यू देख सकते हैं जैसी मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा यहां पर आप देखेंगे 4.1 की रेटिंग मिली है यहां से पेज को नीचे करेंगे अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको ये इमेज देख के समझ आ गया होगा कि मैंने इसी के ऊपर वीडियो बनाया था और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्योर प्योर मिलती है ये इंडियन वेबसाइट है और वैसे भी आजकल आप सुन रहे होंगे को यूज कर सकते। यहां से नीचे कंपेरिजन भी है आप देखेंगे यहाँ पे जो भी वेबसाइट है उनकी रेटिंग और इसकी रेटिंग आप इजिली कंपेयर कर सकते प्राइस वाइज भी आप कंपेयर कर सकते हैं और चाहे तो आप डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर क्लिक करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं यहाँ पे आपको कस्टमर केयर नंबर दिया है आप चाहे यहाँ पे हिंदी में भी बात कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं और इनके जो प्राइस है आप देखेंगे बहुत ही चीप प्राइस है इसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है और सबसे बड़ी बात फ्री एसे मिल रहा है फ्री डोमेन में मिलेगा आप चाहे कोई भी प्लान इनका यूज करें और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और वो इस होस्टिंग को परचेज करना चाहते हैं तो वहां के जो लोकल वॉलेट पेमेंट है उसकी ऑप्शन भी इसमें आपको मिलेगी जैस कैश और इजी पैसा उसके थ्रू भी आप ये वेब होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं और यहां से फ्रेंड्स पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आप देखेंगे यूजर रिव्यूज जिसमें फाइव पॉइंट जीरो की रेटिंग मिली है आप इजिली इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है इसमें आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी पर परचेज करने से पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा आप इस नंबर पर कॉल जरूर करें और जो भी आपकी क्वेरी है जो भी आपके क्वेश्चन है यहां पे कॉल करके जरूर पूछे और इसमें फ्रेंड्स आपको और भी वेब होस्टिंग प्लान मिलते हैं इधर आप देखेंगे रीसेलर और वीपीएस ये भी आपको अवेलेबल है इनका फ्री फ्री स्कैन और रिमूवल आपको फ्री में मिलेगा डेली कंप्लीट बैकअप की भी ऑप्शन मिलेगी सबसे बड़ी बात इनका जो सी पैनल है वो ऑफिशियल सी पैनल पार्टनर के साथ है और इनका आपको कैशियन भी मिलेगा यहाँ से आप ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं गूगल में जाके इसको सर्च कर सकते हैं नहीं तो डायरेक्ट आप प्रो होस्टी डॉट कॉम भी टाइप कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कौन सी हम थीम या टेम्पलेट यूज करें अगर आपका बजट है तो आप पेड भी यूज़ कर सकते हैं नहीं तो फ्री में आपको बहुत सारी थीम और टैंपलेट्स मिलेंगे पर एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना जितनी भी वेबसाइट्स होती है फेसबुक गूगल ट्विटर आईपीएल की भी वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स इनका जो टैम्पलेट होता है बहुत ही सिंपल होता है ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा उसके अंदर फीचर्स की ज़रूरत है बहुत सिंपल सा टैम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में करें या पेड वाला करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने मेन मेन्यू के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है आपने अगर आईपीएल की मेन वेबसाइट देखी होगी तो मैं वहीं से आपको आइडिया दूंगा जिससे आपके लिए समझना बहुत गूगल में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएगी पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिसमें आप मैचेस टीम रिजल्ट फोटो गैलरी और न्यूज ये पॉइंट्स तो आप जरूर रखें इसके अलावा अगर आप और भी रखना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मैचेस में आपने बताना है कि फ्रेंड्स इनके जो मैचेस है वो किस डेट को कौन सी टीम के साथ है और उनका वेन्यू कहाँ मैं उसका आपको आइडिया दे देता हूँ मैचेस पे गया शेड्यूल के ऊपर मैंने क्लिक करा और यहाँ पे देखेंगे जो आज पहला मैच है वो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है साढ़े सात बजे होगा ये सारा लोकल टाइम आपने लिखना है और इसमें नीचे वेन्यू भी दे रखा है और मैच नंबर वन ये आपको इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा मैच नंबर टू वेन्यू टाइम

और यहाँ पे सारी टीम्स के नाम आ गए तो ये सारी लिस्ट आपने क्रिएट करनी है मेन्यू के नीचे आप सब मेन्यू क्रिएट करेंगे और उस टीम में कौन कौन से प्लेयर्स है फोटो के साथ आप चाहे तो उनकी डिटेल्स लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसका भी आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल के अंदर आप एक साइड में नाम लिखेंगे और एक साइड में आप उसकी फोटो लगाएंगे इतना भी कर लेंगे तो भी चलेगा आपको सेम ऐसे वीडियोस या न्यूज डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिजल्ट अब रिजल्ट में फ्रेंड्स कौन कौन से दिन कौन सी टीम कितने रन बनाएंगे और टेबल में फ्रेंड्स आप ये पहले ही क्रिएट करके रखे डेज वाइज और जस्ट जो रिजल्ट होगा उसका स्कोर आपने एड करना है और कितने रन से या कितनी विकेट से कौन जीता आप वो भी यहां पे टाइप कर सकते जीतने के बाद पर ये वाला पोर्शन आप पहले से ही टेबल में क्रिएट करें टेबल बनाए उसमें टीम का नाम लिखे फिर रिजल्ट ऊपर लिखे और जो रिजल्ट होगा वो आप नीचे देखे वन ए टाइम उसी समय लिख 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 सकते लिख सकते सकते हैं 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 डेट टाइम इस तरह से आप जरूर करें उसके बाद है फोटो गैलरी फोटो गैलरी में मैक्सिम कमेंट से ये आते हैं कि भाई हम फोटो यूज करेंगे कहीं हमें कॉपीराइट तो नहीं आएगा मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूं जब भी आप किसी भी क्रिकेटर की फोटो यूज कर रहे हैं सेलिब्रिटी की फोटो यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी कंपनी का या वेबसाइट का ब्रांड नेम नहीं आना चाहिए कहने का मतलब वाटरमार्क नहीं आना चाहिए अगर मैं धोनी की फोटो लगा रहा हूं तो सिर्फ धोनी की फोटो होनी चाहिए चाहे उसने किसी भी कंपनी की टी शर्ट पहनी है कोई भी ब्रांड का बैग पकड़ा हुआ है पर वाटरमार्क किसी कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए या सेंटर में आप देखते हो एक स्ट्रिप सी जा रही है जिसमें उस न्यूज चैनल का या फिर किसी भी वेबसाइट का वाटरमार्क होता है उसके बिना तो आप यूज कर सकते हो और अगर आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर रहे हो तो फ्रेंड्स उसका क्रेडिट अपनी वेबसाइट में दे दो। उसके बाद, जरूर ध्यान रखना है अब न्यूज क्या हो गया एक तरह से आपका ब्लॉग का अकाउंट हो गया न्यूज में फ्रेंड्स आपने ये नोटिस करना है कि, कि किसी बॉलर ने हैट्रिक तो नहीं बनाई या किसी भी प्लेयर ने बैट्समैन ने कोई हाफ सेंचुरी बनाई है फुल सेंचुरी बनाई है तो उसके बारे में आपने दो चार लाइन जरूर लिखनी है उसकी इमेज डालो उसके नीचे किस डेट को कौन से मैच में उसने कितनी बॉल्स पे कितना स्कोर बनाया है या फिर कौन से मैच पे किस डेट को किस बॉलर ने हेट्रिक लिया या हैट्रिक से मिस हो गया और कितने सारे ऐसे फ्रेंड्स पॉइंट्स होते हैं जो आपको डेली कवर करने पड़ेंगे किसी ने सिक्स मार दिया कोई आउट हो गया नो बॉल पे किसी ने सिक्स मार दिया कोई रन आउट हो गया कोई आउट हुआ पर वो नो बॉल थी तो इस तरह की न्यूज आपको देनी पड़ेगी ऐसा नहीं है कि आपको एक या दो पोस्ट लिखनी पड़ेगी जैसी मैच स्टार्ट हुआ बस आप बैठ जाओ उसके बाद एक दो तीन चार पांच जितना भी हो सके फ्रेंड्स एक ही मैच की कम से कम अच्छी खासी पोस्ट ऐड करो दस पंद्रह बीस और सबसे बड़ी बात इसमें लिखने की टेंशन इतनी नहीं है जस्ट आप गूगल ट्रांसलेट को यूज करो हिंदी में टाइप करो जो भी आपके वर्ड्स है ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रामरली यूज करो और जो भी ग्रामर की मिस्टेक होगी ऑटोमेटिकली वो भी आपकी ठीक हो जाएगी हिंदी इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में से आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट बना सकते हो पर जो आपके मेन की वर्ड्स होंगे कोशिश करना कि वो सारे इंग्लिश में हो चाहे आप हिंदी में भी अपनी वेबसाइट बना रहे हो पर की वर्ड को कोशिश यही करना कि वो आपके इंग्लिश के अंदर हो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम SEO कैसे करे, कैसे करें करें कीवर्ड प्लेसमेंट अगर मैं यही चीजें फिर से बताने लग गया तो मेरे पास कमेंट आने लग जाएंगे कैसे करते कैसे करते उसके आप मेरा ये वाला जाके देख सकते हैं है। कि किस तरह से लिखना है और फोटोज का मैं आपको बता चुका हूँ यूट्यूब कोई ऑफिशियल वेबसाइट है स्पोर्ट्स की, है, की है, तो वहां से आप जो मैचेज होते उनके वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में एम्बेड कोड के थ्रू वो बिल्कुल लीगल होता है अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल भी यूज ना करें उन वीडियोस को और फोटोज का मैं बता चुका हूं कि आप कोई वाटर मार्क ना हो क्रेडिट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं आर्टिकल लिखने के लिए मैं आपको आईपीएल वेबसाइट का ही एक आइडिया दूंगा आपने आईपीएल वेबसाइट में जाना है और यहाँ से आप किसी भी न्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस न्यूज के ऊपर क्लिक करा यहाँ पे आपको जो न्यूज मिल रही है फ्रेंड्स आपने जस्ट यहां से कॉपी करनी है गूगल ट्रांसलेट में जाना है इंग्लिश टू हिंदी ये सिलेक्ट करना है अब आपको ये समझ आ गया कि आपके ये हिंदी में क्या लिखा है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आ रही है जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो इंग्लिश को पढ़ के ही उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आप देखेंगे कोई ज्यादा लंबा आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं है अब जिन भाइयों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है वो हिंदी में कन्वर्ट करेंगे और इसको आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो मीनिंग यही रहना चाहिए पर वर्ड्स आपके सारे चेंज हो जाएंगे और जब आपके वर्ड्स चेंज हो जाएंगे

आप पूरा चेंज कर दे मीनिंग वही रहना चाहिए पर वर्ड्स आपके होने चाहिए इस तरह से आपके आर्टिकल की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मेहनत वाला काम है टाइम जरूर लगेगा पर फ्रेंड्स इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है नहीं तो आप किसी को हायर करें उसको पैसे दे और वो आपकी वेबसाइट को हैंडल करे

पर ये जो आईपीएल है लगभग ये दो महीने तक चलेगा तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर ऑलरेडी आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल है तो आप सब डोमेन क्रिएट करके भी इंस्टेंट गूगल एड्स की एड्स को वहां पे प्लेस कर सकते हैं उसके कोड लगा सकते हैं और एकदम से आपकी वेबसाइट में गूगल की एड्स शो करने लगेगी चाहे आप ब्लॉगर यूज करते हैं वर्ड यूज करते हैं तो फ्रेंड्स आप ईजिली सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं और सब डोमेन में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली उसके अंदर अप्रूवल आपको मिल जाएगा मैं फिर बता रहा हूं आपको डेली पोस्ट डालनी पड़ेगी मैच शुरू हो गया तो आपको एक एक पॉइंट उसी समय नोट करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा और जैसी मैच फिनिश होगा उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इमेजेस इंटरनेट पर मिल जाएगी इमेज अपलोड करो मैच देखते देखते आप ऑलरेडी चीजें लिख चुके हो

सबमिट होने लग जाएगी और एक टाइम तो ऐसा आएगा फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट करोगे दस मिनट के अंदर ही आपकी जो पोस्ट है वो गूगल के अंदर शो करने लगेगी अब रैंक कौन से नंबर पर करेगी वो डिपेंड करता है कि आपने उसका एस कैसे करा है की प्लेसमेंट कैसे करी है और उसमें कितनी आप मेहनत कर रहे हैं अब इसके बाद डिसीजन लेना आपका काम है आपने आईपीएल वेबसाइट के ऊपर काम करना है या नहीं करना दो महीने अभी फ्रेंड्स आप चाहे तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत